Dear students of class nursery, it's your English class work. So let's start our today's class work. देखो, revision time, letters G H I J K L. Practice writing and say its phonic sound. G H I J K L. ठीक है? Is G H I J K L इस सब अल्फ़ाबेट और लेटर्स को आज हम कैसे लिखते हैं लाइन पर, ये आज हम सब सीखेंगे. ठीक है बच्चे लोग, सो लेट्स स्टार्ट. देखो मैं कैसे कर रही हूँ, जी देखो ऐसे करके ऐसे उठा दो, फिर ऐसे करो तो हो जाएगा जी. देखो तो वन टू थ्री, वन टू थ्री. ठीक है, यानी कि वन टू थ्री लाइन में कंप्लीट करना है ये जी. ठीक है, फिर से देखो तो ये क्या है, नेक्स्ट अल्फाबेट एच. देखो पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो. ठीक है, फिर ऐसे करो. देखो तो वन टू थ्री, यहाँ पर भी वन टू थ्री, थ्री लाइन पर ही सिर्फ कंप्लीट करना है जी एच. ठीक है, और आई वन टू थ्री, सब भी वन टू थ्री. देखो वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, यानी कि बिग अल्फ़ाबेट जो है, यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट जो है, वो सब थ्री लाइन में ही कंप्लीट करना चाहिए हम सब को. ठीक है, सो नेक्स्ट लेटर आई. देखो आई मैं कैसे कर रही हूँ, देखो तो ऐसे करो पहले, ऐसे ऐसे. सो वन टू थ्री हो गया आई. नेक्स्ट क्या अल्फ़ाबेट है, कौन सा अल्फ़ाबेट है, दिस अ जे. देखो मैं कैसे कर रही हूँ, पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करके, ऐसे करके उठा दो थोड़ा सा तो हो जाएगा जे. वन टू थ्री, थ्री लाइन पर ही हो गया जे. नेक्स्ट के, देखो तो मैं कैसे कर रही हूँ, के पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करके ऐसे करो तो हो जाएगा के. वन टू थ्री, के भी तीनों लाइन में हो गया के. और लास्ट ए, कौन सा अल्फाबेट है, एल. देखो एल मैं कैसे कर रही हूँ, एल देखो, हाँ ठीक से देखना, पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो. वन टू थ्री, इसे एल को भी थ्री लाइन में ही कंप्लीट करना है. तो फिर से देखो, हाँ मैं कैसे कर रही हूँ. देखो पहले क्या है, ये कौन सा अल्फाबेट है, लेटर जी. ऐसे करो, फिर ऐसे करो जी. नेक्स्ट अल्फाबेट एच, एच. ठीक है, आई बोलना और धीरे धीरे सुंदर करके कंप्लीट करना. आई नेक्स्ट अल्फाबेट जे, दिस इज अ जे. नेक्स्ट अल्फाबेट के, के, दिस इज अ के. और ये कौन सा अल्फाबेट, अल्फाबेट ए और लेटर, सॉरी अल्फाबेट एल और लेटर एल, अल्फाबेट और लेटर सेम. हाँ तो एल, एल कौन सा अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट एल. फिर से देखो, हाँ जी, एच, आई, जे, के,
एन, ऐसे जी एच आई जे के एल, के एल सॉरी जी एच आई जे के एल, सब अल्फाबेट को ऐसे ही लिखना और पेज को कंप्लीट करके लिखना जी एच आई जे के एल, ठीक है, बोलना और धीरे धीरे ठीक ठाक लिखना। सो थैंक यू।